नमो नारायण, नमो नारायण। प्रारंभ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्राशैककर्मणे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंचदशी ग्रंथ। इस ग्रंथ के प्रथम पंचक है विवेक पंचक। विवेक से प्रारंभ किया जाता है इस पंचक में, ग्रंथ के आदि में समझ लो। तो पहले तो कह दिया भाई तत्व विवेक, तत्व जो सत ब्रह्म है वो हो गया तत्व। यद्यपि जीव ब्रह्म का एकत्व उपनिषद से सिद्ध है, उपनिषद से सिद्ध है तो फिर ये प्रकरण ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। तो जीव ब्रह्म का एकत्व जो श्रुति से सिद्ध है, एकं वा द्वितीयं इत्यादि, फिर भी उसको युक्ति से सिद्ध करना है, ये मनन होगा। इसलिए पंचदशी का विचार ये मनन स्थान पढ़ना है। उपनिषद का आपने श्रवण किया, उसके बाद मनन करना होता है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, उसके बाद मंतव्य होता है, मनन करना चाहिए। तो ये सब ज्ञान के साधन है। तो प्रथम प्रकरण में तत्व का विवेक होता है। सच्चित जो आनंद है वो अनात्मा पदार्थ से विलक्षण है। ये बड़ा सुंदर विचार हुआ पहले। तो तत्व विवेक हो गया तो फिर आगे प्रकरण क्यों, फिर द्वितीय प्रकरण किस लिए हुआ? देखो, पहले सामान्य रूप से कह दिया उत्तम अधिकारी लिए कितना बहुत है। सत का विवेक कर दिया असत से, वही सद हो गया ब्रह्म, वही मेरा स्वरूप है, बात बन गई। फिर भी जो उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम अधिकारी हो मंद अधिकारी हो, उसी के लिए फिर जो है ना पंचम महाभूत से प्रारंभ करना होता है। जो पंचम महाभूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे तत्व का विवेक करना है ना। पृथ्वी आदि जो है वो जड़ पदार्थ है, ये आत्मा नहीं हो सकता। पंचम महाभूत का विवेक करने के बाद क्या कहा, फिर पंचकोश को भी ले लो,
पंचकोश को भी लेना है, कहाँ से लेकर के? अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत ये भी आत्मा नहीं होगा। बड़ा सुंदर पहले विचार हो गया, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है भी। क्यों नहीं है? कार्य होने से। प्राण आत्मा नहीं है क्योंकि वो जड़ होने से। मन आत्मा नहीं है क्योंकि मन विकारी है, चंचल है ना? तो इस प्रकार विज्ञानमय कोश भी, वो भी आत्मा नहीं होगा क्योंकि विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति होती है, नाश होता है। इस प्रकार आनंदमय कोश भी नहीं होगा क्योंकि आनंदमय कोश भी वृत्ति रूप है, आनंदमय कोश भी कार्य रूप है, आनंदमय कोश परिणामी है। जैसे दधि, दूध से दधि होता है परिणामी। ऐसा विचार हुआ, फिर उसके बाद द्वैत विवेक, द्वैत विवेक का विचार हम लोगों ने किया, बड़ा सुंदर। क्योंकि साधन के लिए किया, वो जीव से बना गया जो द्वैत है वो बंधन है, ईश्वर से बना गया द्वैत वो साधन है। और जीव के द्वारा बनाया गया द्वैत भी थी शास्त्रीय हो, ये मेरे गुरु है, ये मेरी पुस्तक है ना? तो ब्रह्मसूत्र मेरी है, मंगाना है, ये तो भी जीव का द्वैत है। लेकिन ये भी ज्ञान का साधन होता है। शास्त्रीय द्वैत जीव के द्वारा सृष्ट होने पर भी ज्ञान का साधन होने से प्रतिबंध नहीं होता है, ये विचार हुआ। अब जो है महावाक्य का विवेक, क्योंकि महावाक्य का विचार करने पर ही आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान होता है, अद्वैत आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा, जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होगा महावाक्य का विचार करने पर। महावाक्य होते हैं चार, है ना? चार वेदों में चार महावाक्य प्रसिद्ध है। तो पहला महावाक्य का विचार आ रहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद में आया, ऐतरीय उपनिषद में आता है और आत्मबोध उपनिषद में भी आता है। ये पंचोदशीकार ने, ये रामकृष्ण टीकाकार ने दिया है। तो पहला आ गया प्रज्ञान शब्द। प्रज्ञान शब्द का वाचार्थ होता है विशिष्ट चेतन, है ना? चिदाभास ले लो, क्योंकि चिदाभास से आप जानते हो। ये चिदाभास न हो तो आपको कहाँ से ज्ञान होगा? अयम घट, अयम पट, अयम मठ, ये वृत्ति में जो चेतन है वो चिदाभास हो गया। चिदाभास आभास है ना, घट स्फुरित, पंचोदशी कर कहते हैं। चिदाभास हो तो घट का स्फुरण होगा। जैसे दर्पणस्थ प्रकाश को मुंह कर दो, दर्पण का मुंह कर दो कमरे के अंदर, तो दर्पण में जो दर्पण आने से पहले जो प्रकाश था, अथवा ऐसा समझ लो दीवार है, दीवार है, दीवार में जो प्रकाश था वो सामान्य प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश है ना? उससे प्रतिफलन नहीं हो रहा है अभी, उससे अंधकार नहीं जा रहा है। लेकिन क्या कर दिया उसमें, जो है आपने कुछ लगा दिया, पेंट कर दिया, कुछ कर दिया है। और उसका मुंह कर दो भाई, कमरे के अंदर कर दो, तो कमरे के अंदर जो अंधकार था वो अंधकार की निवृत्ति हो गई, वो प्रतिबिंबित प्रकाश से। पहले जो प्रकाश था उसको कहा जाएगा सामान्य प्रकाश, और प्रतिफलन जो प्रकाश हुआ उसको कहा जाएगा विशिष्ट प्रकाश, है ना? ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत में भी समझ कर रखो आप, तब जाकर के महावाक्य जो है ना बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो याद तो कर लोगे, याद करना तो आसान है। तो प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ होता है विशिष्ट चेतन, चिदाभास। उसको कैसे समझेंगे? जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, कल बतला हमने, आपके आपके मन में मन का व्यापार भी नहीं हो रहा है, निर्विकल समाधि में गए हैं आप, फिर भी आप हो, तो आपका जो भान हो रहा है वो स्वतः भान हो रहा है, ना उसको मन प्रकाशित कर रहा है, ना सूर्य प्रकाशित कर रहा है, ना इंद्रियां प्रकाशित कर रहा है, वो आत्मा का जो स्वरूप है वो हो गया सामान्य चेतन। इसलिए आप सामान्य हो, उस समय सामान्य हो, लेकिन जो है चक्षुरादि के अथवा कोई संकल्प हो गया, मान लो
जागृत में नहीं है ना, चक्षुरा आदि का व्यापार ना भी हो, मन में संकल्प हो गया, तब मन का मन में संकल्प हो गया तो दृश्य हो गया, देखो वृत्ति हो गई ना, और वृत्ति में झट से प्रतिफलन हो जाएगा, प्रतिफलन हो गया वो, है ना, तो विशिष्ट चेतन हो गया। चक्षुरादि के द्वारा जो है, चक्षुरादि के माध्यम से मन चला गया बाहर, मन चला गया बाहर तो मन विषय किया घट को, तो मन में वृत्ति होगी घटाकार वृत्ति। घटाकार वृत्ति से पहले जो चेतन आपका है वो सामान्य चेतन हुआ, उसको कहते हैं प्रज्ञान शब्द का लक्षार्थ, वही मैं हूँ ये पहले निश्चय करना पड़ता है। और वृत्ति में जो प्रतिफलन चेतन हो रहा है वो तो विशिष्ट चेतन हो रहा है, वो प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ ज्ञान के द्वारा लक्षार्थ को यहाँ पर ध्यान रखना है, निरूपण करना है, ठीक है। आप घटाकार वृत्ति को भी जान रहे हो, घट को भी जान रहे हो, अहम घटम जानामि, अहम घटम जानामि कहने से तीनों का भान हो रहा है, तीनों दृश्य है। हाँ, जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन ज्ञाता, ठीक है ना भाई, और घट का भान भी हो रहा है, और घट में जो वृत्ति है मान लो, अथवा वृत्ति प्रतिफलित प्रतिफलित चेतन कह लो, ज्ञान घट ज्ञान, ज्ञाता अंतःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता, और घट हो गया ज्ञेय, और घट का जो ज्ञान है घटाकार वृत्ति विशिष्ट चेतन, वो तो वाचार्थ है, उसको भी आप प्रकाशित कर रहे हो, जान रहे हो, है ना, जिससे प्रकाशित हो रहा है, जिस चेतन से प्रकाशित हो रहा है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, उसको कहा जाएगा प्रज्ञान शब्द का लक्षार्थ, ये लक्षार्थ का निरूपण हो जाएगा। यही बात यहाँ पर प्रथम श्लोक में दिया गया, देख लो है। येन क्षते शृणोति इदं जिघ्रते व्याकरोति च स्वाद्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानम् उदीरितम्। जिस चेतन के द्वारा ये जीव जो जानता है, शब्दों को जानता है ना, गंध को जानता है भी शब्दों से व्यापार करता है, रस को जानता है रसनेन्द्रिय, जिससे जाना जाता है तत्, यत शब्द से जिस पदार्थ को कहा गया, तत् शब्द से उसी पदार्थ को कहा गया, जिस चेतन के द्वारा जानता है। हाँ, वो चिदाभास के द्वारा आप जानते हो, वो प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ, लेकिन उसका जो सामान्य चेतन हो गया वो हो गया लक्षार्थ, तत्प्रज्ञानम् उदीरितम् कथितम् वेदांत में कहा जाता है। उसके ऊपर इसके ऊपर कुछ टीका बाकी थी वे देख लो है। हाँ, टीका प्रारंभ हुई थी कि नहीं हुई, शुक्ला जी प्रारंभ हुई थी क्या? हाँ, तो शुरू शुरू से कर लेते हैं। श्लोक में आए ये ना का अर्थ जिसके द्वारा, दिस चेतन के द्वारा, भाई किस चेतन के द्वारा ले लो, चक्षुर द्वारा, चक्षुत द्वार है, द्वार है मन बाहर जाने के लिए, ये चक्षु द्वार है, द्वार है ना। तो निर्गत अंतकरणा वृत्ति, चक्षु के द्वारा ये अंतकरण के वृत्ति बाहर जाती है, वृत्ति बोलते हैं परिणाम विशेष को, अंतःकरण का परिणाम विशेष ही अंतःकरण के वृत्ति होगी, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा समझ कर रखो है, ये जो घटाकार पटाकार वृत्ति जो कहता आकार बोल दिया, आकार आकार, ये घट का आकार तो है घटाकार वृत्ति हो जाएगी, पट का आकार है पटाकार वृत्ति हो जाएगी, हाँ, लेकिन जो है रस का क्या आकार होता है, रसाकार बोलते हो, मधुराकार बोलते हो, है कि नहीं। तो ये आकार ये पारिभाषिक शब्द होता है, ऐसा नहीं समझना कि विषय का आकार हो तो मन का आकार, ऐसा नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हो, ब्रह्म का आकार थोड़ी है, हाँ,
वो कुछ नहीं, विषय को विषय करना यही अंतःकरण का आकार है। मधुर जो विषय है उसको विषय करता आपका मन, यही मधुराकार वृत्ति है, ऐसा समझना है। पारिभाषिक शब्द होते हैं, अंतःकरण में घटाकार आदि वृत्ति हुई, ये वृत्ति होगी उपाधि, वृत्ति होगी उपाधि, क्योंकि चेतन को विशिष्ट बनाने के लिए ये वृत्ति होती है उपाधि। जैसे सूर्य के प्रकाश को विशिष्ट बनाने के लिए दर्पण होता है उपाधि, हाँ उपाधि से युक्त को बोलते हैं उपहित, उपाधि से विशिष्ट को कहते हैं उपहित। तो दर्पणस्थ प्रकाश हो गया दर्पण उपहित, ऐसा। इसी प्रकार ये दर्पण स्थानीय हो गया वृत्ति, हाँ वृत्ति होता है सात्विक, तो सात्विक वृत्ति में प्रतिफलित चेतन हो गया विशिष्ट चेतन, विशिष्ट चेतन से ही सारा का सारा व्यवहार होता है, व्यवहार जो होता है विशिष्ट चेतन से होता है। वो वाच्यार्थ होगा, ध्यान रखना, प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ यहाँ पर विशिष्ट चेतन, चिदाभास, और चिदाभास को देख करके विचार करने पर, हाँ प्रतिबिंब को देख करके विचार करने पर बिंबों का ज्ञान हो जाता है ना। दर्पणस्थ प्रतिबिंब को देख करके अपने मुख का ज्ञान हो जाता है ना। इसी प्रकार वेदांत में भी समझना है, प्रतिबोध विदिता मतम के न उपनिषद, बड़ा सुंदर है। प्रत्येक जो बोध हो रहा है ना, बोध इसका विचार करने पर जो प्रतिबोध हो रहा है वृत्ति रूपी ज्ञान, ये होता है साधन। भाई कोई सामान्य चेतन न होगा, न होता, हाँ तो ये घट ज्ञान पट ज्ञान का भान न होता, जिससे भान हो रहा है वो सामान्य चेतन है, वही मेरा स्वरूप है, ये जैसे होता है यहाँ पर भी यही प्रक्रिया है ना। उपहित चैतन्य ना विशिष्ट चेतन के द्वारा इदम श्लोक माया इदम शुणोती है ना, ये न इच्छते इदम ये न शुणोति इदम, इदम मतलब क्या, दर्शना योग्यम, जिसका दर्शन कर सकते हो उसी को ना देखोगे, कौन रूपादिकम, हाँ आदि से क्या रस नहीं, आदि से लेना है रूप विशिष्ट, और रूप को भी देखते हो, रूप वाले घटपट आदि को भी देखते हो। इच्छते मतलब पश्यति, कौन देखता है, पुरुष, ये पुरुष जो है ना देखता है, पुरुष मतलब जीव, यहाँ पर लो जीव देखे, देखना काम तो जीव का होता है, सामान्य चेतन कुछ नहीं होता है, हाँ देखने वाले को भी वो देखता है वो देखने वाले को भी देखते हो आप, जैसे सपनों में मान लो है ना, सपनों में क्या है, एक व्यक्ति घट को देख रहा है, अब घट को भी देख रहे हो और घट को देखने वाले को भी देख रहे हो, है ना। देखने वाले को जो देख रहा है वो आप हो देखने वाले को देखने वाला वो वास्तविक चेतन होता है, उसका बाद नहीं होता है, देखने वाले का बाद नहीं होता है, देखने वाला जिसका धर्म है वो तो उसका तो बाद हो जाता है, उड़ने के बाद वो गायब हो जाता है, ना घट है ना घट का देखने वाला है, दोनों को प्रकाशित करने वाला वो होता है तुरीय चेतन, मांडुक्य के अनुसार, समझ में ना। यहाँ पर पुरुष कहने से यहाँ पर जीव ले लो, पुरुष जानता है देखता है ना, तो देखो मतलब जिससे प्रकाशित होकर के, ये तात्पर्य है, जिसके ज्ञान से पुरुष जानता है जीव, जिसके ज्ञान से अथवा जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के पुरुष रूप को देखता है जीव, वही मैं हूँ, ये तात्पर्य है, अर्थात मैं जीवो नहीं हूं। क्या बोलो, आए क्या है, पुरुष का अर्थ जीवो है, पुरुष का अर्थ जीवो है भाई, अंतःकरण में विशिष्ट चेतन वो पुरुष है, यहां पर समझ में है ना, ऐसा है। पुरुष पश्यति, पुरुष देखता है, तो कौन देखता है, जीव तो देखता है, कौन देखेगा, हाँ
हाँ श्लोक में तो अध्ययन करना होगा ना, श्लोक में अध्ययन करना है ना, क्योंकि इच्छा देखता है, बोले कौन देखता है, पुरुष देखता है, जीव देखता है, हो गया ना। हाँ आगे देखता तथा श्रोत्र द्वारा, ठीक इसी प्रकार से हैं, चक्षु बंद हो गई, मान लो चक्षु बंद हो गई तो श्रोत्र से आप देख सुनते हो, और क्या शब्दों को सुनते हो, कान में लगा दिया सुनते जाओ, है ना। श्रोत्र द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ये मन बाहर चला जाता है, मन बाहर चला जाता है, निर्गता अंतकरणा वृत्ति उपाधि के ना, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, बाहर अंतकरण की वृत्ति गई है ना, मन की वृत्ति, ये भी उपाधि हो गई, उपाधि के ना, है ना, उपाधि के ना चैतन्य ना, उपाधि वाला जो चैतन्य हो गया, मतलब क्या तात्पर्य कहना चाहते हैं, शब्दाकार जो वृत्ति हुई, उस वृत्ति में जो विशिष्ट चेतन होगा चिदाभास, वो चिदाभास हो गया, वो चिदाभास के द्वारा तो शब्दों का प्रकाश होता है, अनुभव ले लो, कैसे अनुभव लो, ये शंख का ध्वनि है, आपको भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जानते हो ना क्या बज रहा है, शंख बज रहा है, बोलते कि नहीं आप, मतलब शब्द का, शंख शब्द का भान हो रहा है कि नहीं, है ना, तो किससे बना, उसमें चिदाभास हो रहा है ना, चिदाभास, वो चिदाभास का संबंध यदि शब्द में ना होता तो ये शंख ध्वनि है, ये भान आपको ना होता, ये कहने का मतलब। हाँ वो चिदाभास प्रज्ञान है क्या, नहीं, वो चिदाभास का जो मूल बिंब है वो वास्तविक चेतन है, क्योंकि उसका तो बाद हो जाता है, उसका तो नाश हो जाएगा ना, क्योंकि शब्दाकार वृत्ति हुई तो वृत्ति में प्रतिफलित चिदाभास भी नहीं रहा है, तो जिसमें वृत्ति नहीं है फिर भी जो चेतन है उसको यहाँ पर लेना है, ठीक है भाई। तथैव इसके इसी प्रकार से घ्राण द्वारा, घ्राणेन्द्रिय होता है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ये मन चला जाता है बाहर, गंध तक चला जाता है, सुरभि गंधा दुर्गंधि दुर, है ना, सुरभि असुरभि दो प्रकार की गंधा होती है ना, और क्या, सुरभि गंधा और असुरभि गंधा, है ना, ये भी जो प्राप्त हो रहा है ना, ये भी कर्म से प्राप्त होता है, और क्या, जहाँ पर सुरभि गंधा प्राप्त हो रही है वहाँ पर पुण्य है, जहाँ पर असुरभि गंधा प्राप्त हो रही है वहाँ पर क्या है, पाप है, नैयायिक लोग यही बोलते हैं ना, हैं, जो कुछ पदार्थ होता है ये सब जीव के धर्मा धर्म से होता है, धर्म हो तो अनुकूल होगा, अधर्म हो तो प्रतिकूल होगा, घ्राण द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा अंतःकरण वृत्ति बाहर चली जाती है, भी मन चला जाएगा बाहर तो फिर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा तो आपके मन में गंधाकार वृत्ति हो जाएगी, उस गंधाकार वृत्ति में भी चेतन प्रतिफलन होता है, उससे गंध का ज्ञान होता है, कैसे, ये गंध बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, और ये गंध ठीक नहीं है, ये भान हो रहा है कि नहीं, जिससे प्रकाशित हो रहा है वो प्रज्ञान है, ये कहना है। ये ना बाघ इंद्रिया अवच्छिन्ने न व्याकुरोति शब्द जातम व्याहरति, आप शब्द बोलते हो धड़ाधड़ बोलते हो, हैं, वहां पर भी चेतन है, बाघ इंद्रिय के द्वारा शब्द जो है, बाघ इंद्रिय अवच्छिन्ने न चैतन्य न, बाघ इंद्रिय तो ये तो जड़ है, वो क्या करेगा, उसमें भी चेतन होता है, अवच्छिन्न विशिष्ट, उसके द्वारा ही व्यवहार होता है, व्याकृति का अर्थ शब्द जातम व्याहरति, शब्द प्रयोग करता है, सारे शब्दों का बोलते हो, है ना, चेतन न हो तो क्या बोलोगे आप। येना रसनेन्द्रिय द्वारा, इसी प्रकार से रसनेन्द्रिय के द्वारा वृत्ति चली गई बाहर तो आपके अंतकरण में वृत्ति हो जाएगी ना, कैसे, रसाकार वृत्ति हो जाएगी, निर्गत अंतकरणा वृत्ति उपाधि के ना अध्ययन कर लो चैतन्य ना, है ना, बाहर चलेगी अंतकरण के वृत्ति कहाँ पर, रस बाहर चलेगी मतलब क्या, मतलब
आपके मुंह में लड्डू डाल दिया, तो लड्डू डाल दिया तो क्या है, मधुराकार वृत्ति हो गई। तो मधुकार वृत्ति वो भी तो अंतकरण की वृत्ति है, तो अंतकरण वृत्ति तो दर्पण की तरह है, वो स्वच्छ दर्पण की तरह सात्विक ना है। तो सात्विक वृत्ति हो गई रसाकार वृत्ति, उसमें प्रतिफलित चेतन हो गया, उसके द्वारा आपको भान हो रहा है ये रस अमुक रस है ना, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, तार्की लोग बोलते हैं ना, छह प्रकार का रस होता है, उसको दो भेद कर लो और क्या है ना, ज्यादा तर्क पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, दो भेद कर लो, एक स्वादु और एक अस्वादु, एक स्वादु रस हो गया और एक अस्वादु रस हो गया। ये भी मन के अनुसार है, कौन स्वादु है कौन असाधु है, ये तो मन के ऊपर होता है ना। भाई जिस मिर्ची को आप असाधु बोलते हो, किसी के लिए असाधु हो जाता है, बिना मिर्ची से भोजन कर नहीं सकते, है ना। तो क्या तात्पर्य हुआ, जिस चेतन से रस का ज्ञान हो रहा है वही प्रज्ञान है। अच्छा, अनुक्त समुच्चयार्थ च शब्द, इस श्लोक में जो व्या करोति च जो कह दिया ना, जो नहीं कहा गया उसको भी ले लो, क्या नहीं कहा गया, हाँ कौन सा इंद्रिय का नहीं कहा भी, हाँ मान लीजिए रूप आ गया, रस आ गया, गंध है ना, और क्या आया बताओ, और कोई आया क्या, हाँ त्वग है ना, त्वग इंद्रिय, हाँ त्वग इंद्रिय। भाई त्वग इंद्रिय के द्वारा भी किसका, स्पर्श का ज्ञान होता है, त्वग इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति हो गई है ना, भाई जो है शीताकार वृत्ति हो गई, अब ठंडी पड़ रही है, देखो जहाँ छू लोगे वहाँ पर जो है ठंडा लगता है, अब मुंबई वाले तो मजे में हो, या कूजी पकड़ लो, कपड़ा पकड़ लो तब भी ठंडा लगता है, यहाँ पर ग्लास पकड़ने तो कहना क्या है। तो तब मन में जो है शीताकार वृत्ति हो जाती है, उष्णाकार वृत्ति हो जाती है, शीतोष्णाकार वृत्ति हो जाती है, उसमें चेतन है, उस चेतन के द्वारा भान होता है कि इस बार बहुत ठंडी है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर साल बोलते हैं रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना, पहले कहाँ ठंडी है, हम लोग जो शुरू शुरू में हरिद्वार में आए थे ना, भयंकर ठंडी थे, माइनस भी होता था है ना, फिर भी आजकल के लोग बोलते हैं ठंडी बहुत है। हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जी महाराज थे, लोग जानते हो ब्रह्मचारी जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे थे कि कोई पंखा भी नहीं चलाते थे, और ठंडे में हीटर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनका विचार बहुत सुंदर है, भाई जो आ रहा है उसको सहन करो, शरीर के अनुसार जबरदस्ती नहीं है, उसको सहन करो और ये निंदा ना करो, हाँ इस बार बहुत ठंडी है, इस बार बहुत गर्म है, ये भी प्रकृति की, प्रकृति का एक अपमान होता है ना, ऐसा बोलते थे वो। भाई प्रकृति अपना स्वभाव है, उनका वो काम करेगी। अच्छा आगे, तो तथा च उक्ता अनुक्त ही सकल इंद्रिय, जो कहा गया उस इंद्रिय को, जो नहीं कहा गया उस इंद्रिय को ले लो, सारे इंद्रियों को ले लो, इंद्रियों के द्वारा अंतकरण वृत्ति भेदे, अंतकरण में वृत्ति विशेष होता है, उस वृत्ति में जो उपलक्षित चेतन है, देखो क्या लिख रहे हैं, वृत्ति से विशिष्ट जो चेतन होगा वो तो हो गया प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ, इसको चिदाभास कहते हैं, ध्यान रखना ना, हाँ वृत्ति में जो विशिष्ट चेतन हो गया उसको बोलते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान, घटाकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति में जो विशिष्ट चेतन हुआ उसको बोलते हैं घट ज्ञान, लेकिन उसको जो, उसको भी जो प्रकाशित कर रहा है सामान्य चेतन, अनुभव कैसे, घट ज्ञानम अहम जानामि, देखो विचार करो है ना, मैं आपको घट ज्ञान हुआ तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मुझे घट ज्ञान हुआ, तो आपको क्या हुआ, आपको घट ज्ञान हुआ मतलब घट ज्ञान का आप प्रकाशक हो,
घट ज्ञान को आप प्रकाशित कर रहे हो, इसलिए मैं भिन्न हूँ। किससे भिन्न हूँ? घट से कि घट के ज्ञान से हैं? किससे? दोनों से हैं। दोनों से आप घट को भी जान रहे हो, घट ज्ञान को भी जान रहे हो। हाँ, वो आप हो, उसी को साक्षी कहा जाता है। वो आप साक्षी हो। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, आप निर्गुण हो, साक्षी होकर हो, निर्गुण भी हो। आप में कोई धर्म नहीं है, आपका स्वरूप ज्ञान रूप है। ज्ञान होना आपका धर्म नहीं है ना। ज्ञान होना यदि कहोगे तो फिर जो पहले फिर अज्ञान था, ऐसा नहीं। आपका स्वरूप तो ज्ञान होने से, ज्ञान आपका धर्म नहीं होगा। नया लोग की तरह नहीं कि ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में, ऐसा नहीं। ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, वो उत्पन्न नहीं होता है। वृत्ति रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न वृत्ति रूपी ज्ञान है, घट ज्ञान पट ज्ञान, उसको आप प्रकाशित करते हो, इसलिए ओ मैं हूँ, ये प्रज्ञान शब्द का लक्षण हो गया है ना। ये शोधन है, ये शोधन शोधन, इसको कहते हैं तम पदार्थ का शोधन, तत्त्वमसि में कहा जाएगा है ना। सारे महावाक्य का एक एक जैसा अर्थ ही है। किसी भी महावाक्य को ले लो, ज्ञान तो हो जाएगा एकत्व का ज्ञान, और सबका अर्थ एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। यही तो वेदांत की महिमा है। इसलिए कर्म उपासना कांड से ज्ञान कांड इसलिए भिन्न हुआ। कर्म तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वेद में अलग अलग कर्म हो सकता है, अलग अलग उपासना हो सकती है ना। कोई ऐसे नाक को पकड़ता है तो कोई ऐसे नाक को घुमा करके पकड़ता है, वो तो अलग अलग परंपरा हो सकती है, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होगा है ना। ज्ञान में ऐसा नहीं होगा। प्रज्ञान ब्रह्म का दूसरा अर्थ था पहले, है कि नहीं? उस कुल में प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ अलग होगा और हमारे कुल में प्रज्ञान ब्रह्म का अर्थ अलग होगा, ऐसा नहीं है। महावाक्य का अर्थ तो एक ही होता है, अलग नहीं है, चलो है ना। लेकिन प्रक्रिया से ही ये समझना होता है, परंपरा से ही समझना होता है। हाँ, ये भी जो है ना, ये भी जो है ईश्वर की कृपा है। परंपरा से समझना, ये भी ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा न हो ना, अच्छी परंपरा नहीं मिलती है, वो मनमानी परंपरा मिलेगी। चलो, इसलिए कह रहे उपलक्षितम यत चैतन्यम, देखो लिख दिया यहाँ पर। हाँ, उससे अंतकरण वृत्ति विशेष जो हुआ है ना, अंतकरण वृत्ति से उपलक्षित जो होता है वो शुद्ध चेतन है। अर्थात वृत्ति उसका धर्म नहीं है, वृत्ति तो बुद्धि का धर्म होता है। वृत्ति जो है ना, वृत्ति रूपी ज्ञान जो है वो अंतकरण का धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान होता है, शुद्ध चेतन होता है। ये यहाँ कह रहे, देखो ध्यान देना इस पद में भी, यत चैतन्यम अस्ति, कौन चेतन? उपलक्षितम, मतलब वृत्ति से उपलक्षित, अर्थात घटाकार वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो बुद्धि का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको प्रकाशित कर रहा हूँ घटाकार वृत्ति को, इसलिए वो मेरा स्वरूप नहीं हो, है ना। तो ये न्याय का खंडन हो जाता है इससे। यत चैतन्यम अस्ति, जो चेतन है तदेव अत्र, हाँ वही जो चेतन है अत्र कहने से इस महावाक्य में, ऋग्वेदीय प्रज्ञान महावाक्य में जो प्रज्ञान शब्द हुआ है ना, वही प्रज्ञान शब्द का अर्थ है शुद्ध चेतन। हाँ, अनेक प्रकार की वृत्ति हो रही है, वृत्ति में जो विशिष्ट चेतन है चिदाभास, उसको प्रकाशित करने वाला जो चेतन है उसको कहा जाएगा प्रज्ञान शब्द का लक्षार्थ। अन्यत्र भी कहा गया ऐतरीय में, अनेना येन वा पश्यति इत्यादि, ऐतरीय में भी कहा गया। सर्वाणि वा एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये भी कहा गया भी। जितने भी है वही से, जितने भी चेतन रूप से कहा गया, ये सब प्रज्ञान शब्द का अर्थ है,
नामधेय, प्रज्ञान का ही नाम बता दिया। उसी को प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है। इत्यंतस्य अवांतर वाक्य संदर्भस्य अर्थ संक्षेप। देखो अवांतर वाक्य, पहले दो वाक्य बताया ना भाई आप लोगों को, एक महावाक्य होता है और एक अवांतर वाक्य होता है। स्वरूप को बोध कराने वाला वाक्य को बोलते हैं अवांतर वाक्य। प्रज्ञान शब्द का जो स्वरूप अर्थ है, प्रज्ञान शब्द के स्वरूप को बताने वाला वाक्य कहा जाएगा अवांतर वाक्य। प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा? शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन है ना। इसलिए अवांतर वाक्य के संदर्भ में जो आया उस अर्थ को संक्षिप करके है दर्शित दिखाया गया है। इसके ऊपर कोई टिप्पणी है भाई? टिप्पणी बोल देता हूँ, नहीं तो शुक्ला जी बोलेंगे यहाँ पर टिप्पणी है। एते ना है, इसके द्वारा सर्व बहिर अंतःकरण साभास वृत्ति साक्षित्व उपलक्षित चैतन्यम एव प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यंत श्रुति आयसेन दर्शितम्। बड़ा सुंदर लिखा है भाई, टिप्पणी बहुत सुंदर लिखा है भाई। इसके द्वारा ये दिखा जाता है सर्व बहिर अंतःकरण साभास। ये देखो जितने भी बाहर अंतःकरण की वृत्ति हो रही है ना, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति हो रही है ना भाई, उस अंतःकरण में जो साभास वृत्ति, साभास वृत्ति मतलब क्या है? आभास ना वर्तते थी साभास, आभास से आभास मतलब चिदाभास। जैसे मान लो दर्पण में जो प्रकाश हो रहा है उसको कहा जाएगा आभास, कहा जाएगा सूर्य का आभास प्रकाश, विशिष्ट प्रकाश। आभास से युक्त जैसे दर्पण हुआ, ठीक इसी प्रकार से घटाकार आदि वृत्ति में जो आभास हो गया चिदाभास, चिदाभास से युक्त जो वृत्ति है ना, चिदाभास से जो युक्त जो वृत्ति है उसको कहा जाए घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान है ना। उस वृत्ति को आप प्रकाशित कर रहे हो, आप साक्षी हो। और साक्ष्य कौन हो गया भाई? साक्ष्य हो गया साभास वृत्ति है ना। आप साक्षी हो मतलब दृष्टा हो, और दृश्य हो गया कौन? साभास वृत्ति मतलब कौन? घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान। मैं घट को जान रहा हूँ, पट को जान रहा हूँ। आप घट को भी जान रहे हो, घट ज्ञान को भी जान रहे हो, इसलिए आप हो गए साक्षी। और साक्ष्य कौन हो गया है? साक्ष्य हो गया साभास वृत्ति है ना। अच्छा, बोलता आप में कोई साक्षी तो धर्म होगा? बोलता नहीं, साक्षी में साक्षित्व तो उपलक्षण होता है, साक्षी में कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए साक्षित्व तो, साक्षी में साक्षित्व तो को कहा जाता है उपलक्षण है ना, उपलक्षण कहा जाता है, धर्म नहीं है। क्योंकि आपका स्वरूप तो ज्ञान रूप है, वो है कि नहीं? तो ज्ञान आपकी कोई क्रिया नहीं है, आपका स्वरूप तो ज्ञान ही होता है। इसलिए साक्षित्व से उपलक्षित शुद्ध चेतन होता है, उसको कहते हैं प्रज्ञान। वही प्रज्ञान शब्द का नामधेय है ना, अर्थ वही है। ये प्रथम श्लोक हो गया। द्वितीय श्लोक देखो भाई, तो प्रज्ञानम ब्रह्म में, हाँ बोलो, बोलिए। क्या 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 है, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रहा है। जीव ब्रह्म ही, ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर, ऐसा अर्थ नहीं। जीव का स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, ऐसा वही तो कह रहा हूँ भाई।
प्रज्ञान, प्रज्ञान का अर्थ लक्षार्थ है शुद्ध चेतन, समझ में कि नहीं रहे? है ना, प्रज्ञान शब्द का लक्षार्थ शुद्ध चेतन। पहले ब्रह्म को छोड़ दो, प्रज्ञान कौन वो पहले समझो है कि नहीं? तो प्रज्ञान शब्द का दो अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? दो अर्थ क्या हुआ? एक होता है वाचार्थ है कि नहीं, आ एक होता है लक्ष्यार्थ। जैसे तत्त्वमसि में है कि नहीं, है त्वम पद का वाचार्थ होता है विशिष्ट चेतन, अंतगण विशिष्ट चेतन जीव, हो गया कि नहीं हो गया? और लक्ष्यार्थ कौन होता है? शुद्ध चेतन होता है, हो गया ना? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लो, प्रज्ञान शब्द का वाचार्थ हो गया चिदाभास ले लो, क्या ले लो? चिदाभास ले लो, हो गया कि नहीं? विशिष्ट चेतन हो गया, हो गया ना? और जो है विशुद्ध चेतन कैसे? घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, ये है, हो गया ना? ये विशुद्ध चेतन हो गया। इस बगैर अंतकरण विशुद्ध चेतन वो भी हो जाएगा, है ना? अंतकरण में विशुद्ध चेतन जिसका मैं कह रहे हो, ये समझ लो, मैं बोलते हो ना, तो ये भी विशुद्ध चेतन ही है। और लक्षार्थ कौन हो जाएगा? विशिष्ट चेतन को प्रकाशित करने वाला जो है शुद्ध चेतन, उसको कहा जाएगा प्रज्ञानम, वो मैं हूँ, पहले ये निर्धारण करना पड़ेगा हो गया ना, वो मैं हूँ। और ब्रह्मा कौन है भैया? प्रज्ञानम ब्रह्मा, में ब्रह्मा में भी ऐसे समझना है ना? एवं प्रज्ञान शब्दस्य अर्थम अभिधाय, अगला श्लोक, प्रज्ञान शब्द के अर्थ को कह करके ब्रह्म शब्द से अर्थम आह, ब्रह्म शब्द के अर्थ को बता जा रहा है। देखो कैसे, चतुर्मुखेन्द्र देवेशो मनुष्याश्वगवादिशो चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म ब्रह्ममय्यपि, प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। पढ़िए, हाँ इसका इस श्लोक का कल करते हैं, समय लगेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।